कोटा के एक व्यक्ति ने अपने हक के 2 रुपए के लिए ऐसी लड़ाई लड़ी कि उनकी वजह से करीब 3 लाख लोगों को उसका फायदा हो गया। कोटा के रहने वाले सुजीत स्वामी, जब अप्रैल 2017 में अपनी यात्रा का टिकट कैंसिल कराया तो रेलवे ने उन्हें 2 रुपए कम रिफंड किए। इसके बाद जब उन्होंने RTI के माध्यम से इस संबंध में जानकारी मांगी तो पता चला कि 2,98,000 पैसेंजर्स के रिफंड में इसी तरह की गड़बड़ी की गई थी। सुजीत ने इस राशि की वापसी के लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री समेत कई रेल अधिकारियों को पत्र लिखा। सुजीत की शिकायत के 5 साल बाद रेलवे के अधिकारियों ने सुजीत समेत सभी यात्रियों से वसूली गई राशि को वापस करने की घोषणा की है। तो फिर IRCTC अधिकारी ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने सबका पैसा अप्रूव कर दिया है, क्योंकि काफी पुराना पैसा था इसलिए सबको ग्रेजुअली धीरे धीरे ये अकाउंट में आने लग जाएगा। सुजीत के प्रयास के बाद अब रेलवे उन लोगों को करीब 2,43,00,000 रुपए वापस करेगा जिनसे उसने रिफंड के दौरान अतिरिक्त वसूली की थी। असम के सिलचर में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र मणाल ने रोबोट बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ये रोबोट सभी तरह के सवालों का जवाब देता है। प्रधानमंत्री के नाम से लेकर असम की राजधानी तक, बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर मुंबई की लोकल ट्रेन तक, दिमाग में जो भी सवाल आता है उसे रोबोट से पूछने पर जवाब तुरंत मिलता है। मणाल को ऐसा रोबोट बनाने का आइडिया एक फिल्म से आया था जो उसने लॉकडाउन के समय में देखी थी, तभी से काम में जुट गया था। अब जाकर सफलता हाथ लगी है। सिलचर के पिछड़े इलाके के गांव में रहने वाले मणाल ने साबित कर दिया है कि प्रतिभा सुविधाओं की मोहताज नहीं होती, बस एक मौका चाहिए होता है। मृणाल का अगला लक्ष्य कई तरह के रोबोट बनाना है जिसे चिकित्सा से लेकर चौकीदारी के काम में लाया जा सके। दिल्ली में गर्मी अपने प्रचंड पर है, लेकिन इस बीच पसीने से तरबतर राजधानी वासियों के लिए गुड न्यूज है। जून के अंतिम सप्ताह में मॉनसून दिल्ली में बारिश करा सकता है। मॉनसून के लिए भले ही दिल्ली वासियों को थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़े, लेकिन उससे पहले प्री मॉनसून से मौसम कुछ दिन पहले से ही सुहाना हो सकता है। तब तक दिल्ली सहित उत्तर भारत में तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच रहेगा। दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 44 डिग्री तक भी हो सकता है, लेकिन 15 जून के बाद तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा। दिल्ली में मौसम शुष्क रहेगा, तापमान बढ़ जाएंगे 43-44 के आसपास, एक सप्ताह लगातार ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और जैसे आपने पूछा कि जून के महीने में, तो सेकेंड हाफ ऑफ जून में तापमान में कुछ गिरावट जरूर होती है। मानसून का दौर शुरू होने तक गर्मी से बचाव के रास्ते तलाशने होंगे, यहाँ तक कि पहाड़ी इलाकों में भी मानसून के पहुँचने से पहले तक गर्मी परेशान करेगी। हालांकि इन सब के बीच आंधी और हल्की बारिश लोगों को फौरी राहत देगी। इंदौर के गौरव दिवस का मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम में किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में इंदौर गौरव गान लॉन्च किया, साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करने वाले इंदौर के लोगों को सम्मानित किया गया। 31 मई को देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के मौके पर इंदौर का गौरव दिवस मनाया गया। इससे पहले पिछले दिनों गौरव दिवस के अंतर्गत ही कई आयोजन किए गए थे। सरकार के साथ इंदौर का समाज खड़ा हो जाए, जैसे स्वच्छता के लिए आप खड़े हो गए, तो स्वच्छता में इंदौर ने देश में नहीं पूरी दुनिया में धूम मचा दी। मुख्य समारोह में बोलते हुए शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में साफ सफाई की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि लता मंगेशकर की स्मृति में इंदौर में सभागार बनाया जाएगा जिसका नाम स्वर कोकिला लता मंगेशकर ऑडिटोरियम होगा। इसके अलावा संगीत महाविद्यालय चिमन बाग का भी विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अगले 10 साल में IT क्षेत्र में हैदराबाद और बेंगलुरु को पीछे छोड़ने का दावा किया।